हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में हमने स्ट्रेटिफिकेशन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन तक कवर कर लिया है और अब हम स्ट्रेटिफिकेशन इन लेंटिक वाटर से शुरू करेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेंटिक वाटर की बात करें तो लेंटिक वाटर हुआ क्वाइट वाटर और फ्लोइंग वाटर को हम लॉटिक वाटर कहते हैं। तो पॉन्ड्स, लेक्स एंड शलो पूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक वाटर। इसमें जो स्ट्रेटा है वो है न्यूस्टोन, प्लैंकटोन, नेक्टोन एंड पेडोन। न्यूस्टोन की बात करते हैं तो ये ऐसा फॉनल ग्रुप होगा जो सतह पे रहेगा। तो न्यूस्टोन जो है दो तरीके के होंगे, जो ऊपरी सतह पे होंगे वो है सुप्रा न्यूस्टोन और जो सुप्रा न्यूस्टोन के नीचे पाए जाएंगे वो है इंफ्रा न्यूस्टोन। सुप्रा न्यूस्टोन के एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक बर्ड्स हो गई, बोटमैन हो गया और एग्राफ्ट्स जो आपके मॉस्किटोज बनाते हैं वो, ये सारे सुप्रा न्यूस्टोन के एग्जाम्पल हैं। वहीं इंफ्रा न्यूस्टोन में हम देखें तो लार्वा और प्यूपा ऑफ मॉस्किटो या क्लैडोसेरा या एक्वाटिक स्नेल जो हैं इंफ्रा न्यूस्टोन के एग्जाम्पल्स हैं। प्लैंकटोन एंड नेक्टोन, प्लैंकटोन जो है आपके वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा जो न्यूस्टोन के जस्ट बीनीथ आएगा। दो तरीके के प्लैंकटोन्स हैं, फाइटो एंड जू प्लैंकटोन्स। फाइटोप्लैंकटोन्स प्लांट जैसे बैक्टीरिया एंड एल्गी, जू प्लैंकटोन्स एनिमल्स जैसे आपके प्रोटोजोआ, श्रिम्प, लार्वी और रोटिफर्स, ये सब हैं। नेक्टोन की बात करें तो इसी स्ट्रेटा में नेक्टोन भी पाया जाएगा और ये नेक्टोन्स जो हैं ये एक्टिव स्विमर्स होंगे जबकि प्लैंकटोन्स एक्टिव स्विमर्स नहीं होते हैं। और ये जो हैं इसके एग्जाम्पल्स फिशेस, श्रिम्प्स, डाइविंग बीटल्स एंड मॉलस्क आएंगे। पेडोन की बात करें तो ये सबसे लोएस्ट स्ट्रेटम होगा आपके फॉनल कंपोजिशन का और इसमें हम देखें तो ये जो बॉटम ड्वेलर्स होंगे या फिर बरोइंग टाइप के एनिमल्स इसमें पाए जाएंगे जैसे कि आपके प्रोटोजोन्स, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, ड्रैगन फ्लाई के लार्वा, ये सारे यहाँ पे पाए जाएंगे और ये बॉटम को अपना सबस्ट्रेट बना के वहाँ पे रहेंगे। फ्रेश वाटर जोनेशन की बात करें तो यहाँ पे चार जोन आएंगे हॉरिजॉन्टल जोन्स। फर्स्ट वन इज सुप्रा लिटोरल, देन लिटोरल, सब लिटोरल एंड प्रोफाउंडल जोन। सुप्रा लिटोरल जोन की बात करें तो ये एज ऑफ स्टैंडिंग वाटर पे आपका जो जोन है बनेगा। यहाँ पे वाटर करंट जो है वो आपकी एक्सपोज होती रहेगी इस जोन में और लाइफ जो है वो आपकी पाई जाएगी जैसे कि बुलरशेस हो गए, सेजेस हो गए, इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म्स। लिटोरल जोन की बात करें तो लिटोरल जोन जो है वो एक्सटेंड करेगा वाटर एज से डेप्थ ऑफ 6 मीटर तक। यहाँ पे जो है आपके रूटेड हाइड्रोफाइट्स जो है वो मिलेंगे और एनिमल्स जो है वो इन्हीं वेजिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे जैसे कि ये अपने सीड्स या जो अपने एग्स हैं उनको मासेस की फॉर्म में इन वेजिटेशन पे प्रिजर्व करके रखेंगे। सब लिटोरल जोन जो कि लिटोरल जोन के जस्ट नीचे आएगा और 10 मीटर तक की गहराई तक होगा और ये जो जोन है इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगी और इसमें जो इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे वो अधिकतर शेल्ड मोलस्क जो है पाए जाएंगे। प्रोफाउंडल जोन की बात करें तो ये सबसे गहरा जोन होगा फ्रेश वाटर हैबिटेट का और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा पाई जाएगी जिस वजह से पानी एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इसमें जो आपके बायोटास मिलेंगे वो है मॉलस्क, लार्वा ऑफ इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स में भी हम ऑर्डर्स की बात करें तो डिप्टेरा, ओडोनेटा, इफीमेरोप्टेरा, इन सारे ऑर्डर्स के लार्वा जो है मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका फ्रेश वाटर सरफेस और उसके बीनीथ आपका लिटोरल जोन है, देन सब लिटोरल जोन है और एट लास्ट आपका प्रोफाउंडल जोन जो है आपका फ्रेश वाटर पॉन्ड में जोनेशन नज़र आ रहा है इस तरीके से। मरीन जोनेशन में हम देखें तो इसमें दो तरीके के प्रोविंस आएंगे सी और ओशंस के बेसिस पे। सी के जो प्रोविंस है नेरेटिक प्रोविंस कहलाएंगे, इसमें आपके दो जोन और आएंगे इंटरटाइडल जोन एंड सब लिटोरल जोन। और वहीं ओशनिक प्रोविंस में आपके दो जोन्स और आएंगे वो है आर्चिबेंथिक जोन एंड एबाइसोबेंथिक जोन। नेरेटिक जोन जो है वो आपका हाई टाइड मार्क से शुरू होके और 200 मीटर तक की डेप्थ पे जाएगा जबकि ओशनिक की बात करें हम, ओशनिक प्रोविंस जो है वो बड़े मैग्नीट्यूड बड़े सरफेस एरिया को कवर करेगा। तो नेरेटिक प्रोविंस में आ गया इंटरटाइडल जोन एंड सब लिटोरल जोन, ओशनिक प्रोविंस में आ गया आर्चिबेंथिक जोन एंड एबाइसोबेंथिक जोन।
नेरेटिक जोन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरटाइडल जोन जो है वो आपका हाई टाइड से लो टाइड मार्क के बीच का जोन होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे लगातार टाइड जो है वो आते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर, लाइट, सेलिनिटी, रेट ऑफ एवेपोरेशन वेरी करेगा, जिसकी वजह से लाइफ भी वेरी करेगी। यहाँ पे जो है आपके लूज रॉक्स और स्टेबल रॉक्स पाए जाएंगे और सैंडी एरियाज भी जो है वो पाए जाएंगे, तो इसलिए बायोटा जो है वो लूज रॉक से जो जुड़ी होंगी वो है कोलम्बला, गैमरस, ऑर्चेस्टिया, नीरीज, हर्मिट क्रैब, स्टारफिश एंड सी अर्जिन, जबकि लार्ज और स्टेबल रॉक से जो आपके बायोटा जुड़े होंगे वो हैं बोरिंग मोलस्क, बार्नकल्स, एनलीट्स, सी अर्जिन्स, और सैंडी जोन में बात करें तो टेलिना, बरोइंग कोपीपॉड्स और मोल्ड क्रैब्स पाए जाएंगे। इंटरटाइडल जोन के जस्ट बीनी सब लिटोरल जोन आएगा, लो टाइड मार्क से शुरू होके और 200 मीटर तक की गहराई तक होगा। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होंगे वो है सैंड, क्ले, स्मॉल रॉक्स, ब्रोकन शेल्स, और जो एनिमल्स यहाँ पे हैबिटेट बना के रहेंगे वो है फोरामिनिफेरा, क्लियोनी, सिपनक्यूलिडा, चिप्टॉप्टेरस, निमर्टीन वॉर्म्स, सी फैन, सी पेन, माया, स्पाइडर क्रैब जिसे कहते हैं, पेनिनसरस, पैक्टिन, डेंटेलियम और बहुत सारे इकाइनोडर्म्स, बेसिकली इकाइनोडर्म्स, स्पंजेस और आर्थ्रोपोडा यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लिटोरल जोन में जो है हाई टाइड से लेके लो टाइड तक का जोन है, और लो टाइड से लेके आपका 200 मीटर तक की डेप्थ पे जो जोन होगा वो आपका सब लिटोरल जोन जो है रिप्रेजेंट होगा, और यहीं पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डिफरेंट इंडिविजुअल्स किस तरीके से अलाइन हो रहे हैं। ओशनिक जोन में हम आर्चिबेंथिक जोन की बात करें तो ये वो जोन है जिसमें कि आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके और एक डेप्थ 1000 मीटर तक के जो जोन होगा उसे हम कहेंगे, तो महासागरों में कॉन्टिनेंटल शेल्फ से 1000 मीटर तक का जोन। और यहाँ पे हम देखें तो इस जोन में एक शार्प ड्रॉप ऑफ जो है नज़र आता है, और मोस्टली हम देखें तो प्रेशर जो है पानी का वो 400 LBS स्क्वायर पर स्क्वायर इंच जो है यहाँ पर होगा। यहाँ पे यूवी लाइट जो है बहुत कम मात्रा में इस जोन पे पहुँचेगी, तो इसलिए एनिमल बायोटास जो इसमें पाए जाएंगे वो है स्पंजेस जैसे जियोडिया, सी कुकुम्बर, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, ब्रांचियोपोड्स जो है यहाँ पे पाए जाएंगे। अब बाइसोबेंथिक जोन की बात करें तो ये आर्चिबेंथिक जोन के जस्ट बीनीथ आपका प्रेजेंट होगा, और यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो होंगे यहाँ पे कोई सीजनल चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी, लाइट नहीं होगी, प्रेशर जो है वो अटन पर स्क्वायर इंच के हिसाब से या उससे भी कम हो सकता है, और यहाँ पे जो है आपका कोई भी मूवमेंट जो है वाटर का एज सच नज़र नहीं आएगा। सबस्ट्रेट की बात करें, बाइसोबेंथिक जोन के सबस्ट्रेट लूज कंसिस्टेंसी के होंगे जैसे ऊजेज एंड क्लेज, और क्लैडोराइजा जो स्कैटर्ड स्पंजेस के फॉर्म में यहाँ पे 1600 से 2000 मीटर की गहराई पे पाए जाएंगे, और बरोवर्स जिनके कि लंबे स्टॉक्स होंगे वो सेसाइल नेचर के होंगे जैसे कि एनलीट्स, लॉन्ग स्टेम्ड सीपेन, क्रेनॉइड्स, ब्रायोजोन्स, ट्यूनिकेट्स पाए जाएंगे। एक्टिव फॉर्म्स जो यहाँ पे होंगी वो है ब्रॉड फुटेड मियोपेलिना, सी कुकुम्बर, पिक्नोगोनिड्स और बहुत सारे आपके क्रस्टेशियन क्रैब्स, और जो 1000 मीटर से नीचे के इंडिविजुअल्स होंगे उनमें बॉडी पिगमेंटेशन नहीं पाई जाएगी। वहीं हम बात करें आपके जो फिशेज और इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पे पाए जाएंगे उनका मुंह जो है वो चौड़ा होगा, और यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो भी पाए जाएंगे बहुत ज़्यादा, ये जो है लाइट इमिट करेंगे आपकी अपनी बॉडी से, और ये लाइट इमिट करके जो प्रे है उनसे बचने की कोशिश करेंगे। That's all about its stratification. Thank you.